अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार जी ने, मतलब मनमोहन सिंह की सरकार जब थी, तब जब पेट्रोल डीजल में जब बढ़ोतरी हुई थी, तब उन्होंने ट्वीट करके मतलब इसका विरोध किया था कि भाई ये इतना पेट्रोल डीजल का भाव नहीं बढ़ना चाहिए। तो मनमोहन सिंह के टाइम पर ऐसा था कि 8-8 दिन में, 15 दिन में 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, इसी तरह की बढ़ोतरी होती रही थी और तब लोगों में भारी असंतोष था। तो तब अमिताभ बच्चन जी ने और अक्षय कुमार जी ने ट्वीट किया होगा कि भाई ये भाव कम होना चाहिए, ये भाव ज़्यादा बढ़े हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई अभी जो भाव बढ़े हैं तो इसमें भी मतलब सरकार के विरोध में ट्वीट करना चाहिए। ये तो धमकी देना नाना पटोली जी का अच्छी बात नहीं है। वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बन गए हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष राज्य के बन गए हैं, वो हमारे अच्छे मित्र भी हैं, लेकिन उन्होंने इसी तरह की धमकी देना अच्छी बात नहीं है। अगर अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार की जो शूटिंग है वो हम होने नहीं देंगे, इसी तरह की धमकी अगर कांग्रेस पार्टी दे रही है तो मैं भी ये बताना चाहता हूँ कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अमिताभ बच्चन जी के साथ, अक्षय कुमार जी के साथ, फिल्म इंडस्ट्री के साथ रहेगी। अमिताभ बच्चन को और अक्षय कुमार को धमकी देना ये अच्छी बात नहीं है। हम अमिताभ बच्चन जी के साथ रहेंगे, अक्षय कुमार जी के साथ रहेंगे। अगर कांग्रेस पार्टी अगर शूटिंग बंद करने का काम करेगी तो शूटिंग चलने के लिए रिपब्लिकन पक्ष पूरा प्रोटेक्शन उस अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार जी को दे देंगे। ये मैं नाना पटोली जी को और कांग्रेस पार्टी को बताना चाहता हूँ।